70,000. श्रवण जी, इतने इनाम तो 1,00,000 का था ना? लगता है उन्होंने इनकम टैक्स के पैसे काट के हमें ये चेक दिए। टैक्स? इतना ज़्यादा? चलो कोई बात नहीं, 1,00,000 ना सही, 70,000 ही बहुत है हमारे लिए। श्रवण जी। नहीं साची, देखना, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारी आने वाली जिंदगी में सिर्फ मौज मस्ती और लव। लेकिन जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब? तब की तब देखेंगे ना साची, इतने दिनों बाद की अभी से क्यों सोचनी? इतने दिनों बाद मिले हम, तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ श्रवण जी। तो बस ठीक है, चलते हैं अपनी नई जिंदगी की तरफ। श्रवण जी मंदिर चले? मंदिर? हाँ, हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना, तो शुरुआत तो भगवान से ही होनी चाहिए। तुम कहती हो तो चलते हैं। लेकिन एक सुनो ना, हमें तो कितनी सारी चीजें चाहिए भगवान से। श्रवण जी की जोड़ी बनाए रखना, इसे कभी टूटने मत देना। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं बालिके, तुम्हारी आस्था से, तुम्हारी पूजा से। भगवान आप और नहीं तो क्या, ऑल इंडिया रेडियो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आज होलसेल में आशीर्वाद देंगे, तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा श्रवण के साथ रहो, जैसे दिया और बाती, फूल और भवरे, और जैसे लोटा और बाल्टी। लेकिन भगवान जी एक बात बताओ, ये श्रवण जी हमेशा आपका मजाक बनाते रहते हैं, फिर भी आप इनसे कुछ नहीं कहते हैं? अरे उसका क्या है बालिके, उसे तो बस तुम ढेर सारा प्यार देती रहो, कभी उसे डांटना मत। हफ्ते में एक दो बार भी नहीं, महीने में एक दो बार चलेगा। अच्छा, ये बात तो आपने ठीक कही, लेकिन वो समय अब आ गया। भगवान जी मेरा कितने ना समझे, गलती मैंने की और सजा तुम्हें। चलो यहां से, मैं बहुत नाराज हूं तुम्हारे भगवान जी से। अच्छा, हमेशा बस सॉरी।
माँ समझ में नहीं आ रहा आज नाश्ते में क्या बनाऊं। दादी दादी आप बताओ ना आज नाश्ते में क्या बनाए। वो पालक के पकोड़े बना लो ना, श्रवण को पालक के पकोड़े। पता नहीं मेरा श्रवण कहाँ होगा, उसने अपनी पसंद का खाना तो क्या, पता नहीं कुछ रोखा सोखा भी खाया होगा या नहीं। माँ माँ आप बेवजह फिक्र कर रही हो, साची है ना श्रवण के साथ, वो श्रवण के खाने पीने का ख्याल रखेगी ना। बना रहे। अरे ओ बाबू, अरे भोले बाबा के दर्शन तो कर लिए, अब उनका प्रसाद तो पीते जाओ। आओ आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे ले लेते, मुझे भूख भी बहुत लगी है। पैसे कहाँ है? अरे फ्री होगा प्रसाद के लिए यार। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। तो टेस्टी लग रहा है, फ्री है? हाँ फ्री में है एकदम। और भोले बाबा के गुड़गांव और पूरा ग्लास कटक जाओ। ये लो। मैडम किसे फोन कर रही हो दादी? वो ऐसे ही देख रही थी कि फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या पता श्रवण फोन ट्राई करे। दादी फोन भी ठीक है और वो दोनों भी ठीक ही होंगे, अब ऐसे क्यों सोचती कि वो घर से भाग गए हैं? ऐसा समझे ना कि दोनों छुट्टी मनाने गए हैं। पैसे तो है ही ना उनके पास, लेकिन लेकिन तू अपना मोबाइल चार्ज करके रखना। अगर उन्होंने फोन ट्राई किया और उन्हें नहीं मिला तो हो सकता है श्रवण तेरे मोबाइल पे ट्राई करे और ये भी बंद हो तो। दादी मेरा फोन पूरी तरह से चार्ज है और मैं हमेशा इसे अपने हाथ में लेकर ही घूमती हूँ। आप फिक्र क्यों कर, अगर फोन आया तो मैं बात कर लूंगी। अरे श्रवण चाहे ना भी करे लेकिन साची समझदार है, देखना वो जरूर फोन करेगी और बताएगी कि वो दोनों ठीक है और हम चिंता ना करें। हाँ अगर साची फोन करके ये बता देना कि वो दोनों ठीक है फिर भी आप चिंता करोगी। शुक्र साची श्रवण के साथ है, वो उसे संभाल लेगी।
थोड़ा सा और झूम लो। अरे बाबा ना, श्रवण जी सर में बहुत दुख रहा है। आपको पता था ना कि भांगे, क्यों नहीं बताया मुझे उस समय? अरे मुझे पता चलता है, इतनी देर में तुम तीन चार वैसी टिका गई थी यार। क्या करती, मैं कुछ नहीं, भूख लगी थी। अच्छा चलो, भूख तो मिट गई ना अभी। उल्टा प्यास और लग रही है बहुत ज्यादा। अरे जंगल में पानी कहाँ से लाऊंगा मैं? बहुत भूख लगी है श्रवण जी। क्या खाओगी? मैं शाही पनीर, भिंडी, राजमा, दो रोटी, नहीं चार रोटी, सैलेड, रायता, अचार भी चलेगा बस। ऑरेंज जूस नहीं पियोगी? मेरे बाप ने ढाबा खोल रखा है ना जंगल के बीच में। शाही पनीर, मटर पनीर, पानी तो मिल नहीं रहा यहाँ पे। हमें मैं अपनी बाइक पता नहीं कहाँ भूल गया हूँ यार, नशे में। श्रवण जी आवाज आई? वही सुन के तो बोल रहा हूँ, हमारी भूख मिटे ना मिटे हमें जरूर कोई खा जाएगा यहाँ। साची तुम डरो मत, भालू की आवाज है, लेकिन अगर भालू आ गया ना तो उसके सामने मैं पहले कूद जाऊंगा, फिर वो मुझे खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा वो। नहीं हम जा जाएंगे, वहाँ साथ जाएंगे। भालू के पेट में भी? और क्या। हाय हाय, कितनी गंदी जगह हनीमून मनाने की। एक बात बताओ, अगर भालू ने हमें खा लिया तो उसे भी थोड़ी थोड़ी भांग चढ़ेगी? जी चुप करो, कुछ भी बोलते रहते हो जनरली। पहले ये सोचो कि यहाँ से कहीं श्रवण जी, श्रवण जी हम कहाँ जाएंगे? उधर से चलते। नहीं नहीं श्रवण जी पीछे चलते, वहां से तो आवाज ही आ रही है। नहीं आवाज यहाँ से भी आ रही है। श्रवण जी दो भालू तो नहीं है? टॉस करते हैं। हेड जाया तो तुम्हारी बात मानेंगे, टेल जाया तो मेरी बात मानेंगे। जल्दी करो। हेड जाएगा तो मेरी बात मानेंगे, टेल जाएगा तो तुम्हारी बात मानेंगे। अब करो तो सही। हेड जाएगा तो मेरी बात, टेल ओके। भालू को इनवाइट कर रही हो तुम खाने के लिए? दो ग्लास और पी लिए होते तो सुबह उठते आराम से सो के। सो के उठते भी है नहीं, ये भी नहीं पता। श्रवण जी एक काम करते हैं, हनुमान चालीसा जपते हुए चलते हैं। नहीं आता हनुमान चालीसा, तुम जप लो। मुझे आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, रघुवीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच नहीं, शेर और भालू बोलो ना।